स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा रिमेनिंग पार्ट जो कि बायोडाइवर्सिटी का सेकंड पार्ट है। तो पहले इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, व्हाट आर द फाइव किंगडम, व्हाट इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। उसके साथ साथ हमने देखा हु इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, प्लस क्या होते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, है ना। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो उसके बेसिस पे उनको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फिर जो टेरिडोफाइटा है इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू एंजियोस्पर्म एंड गिम्नोस्पर्म, और फिर मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया गया है। तो वही हम आज उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उनके एग्जांपल्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सो फर्स्ट कम्स थैलोफाइटा। व्हाट इज थैलोफाइटा? थैलोफाइटा मीन्स दे हैव थैलस लाइक बॉडी। थैलस लाइक बॉडी मीन्स, जैसे मैंने बताया कि जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, भले प्लांट का क्लासिफिकेशन हो, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन हो, कॉर्डेट्स हो, नॉन कॉर्डेट्स हो, इट इज़ फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कैसा है वो? सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी या ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो द सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो, कि जो थैलोफाइटा है उसका जो फर्स्ट प्लांट है, इट हैज थैलस लाइक बॉडी। उसकी जो बॉडी है वो कैसी है? थैलस लाइक मीन्स इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। उसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती, वो बहुत ही सिंपल, बहुत बारीक घास जैसी होती है। आपने सबने काई देखी होगी, देखी है कि नहीं? कैसी होती है? सिंपल वेलवेट टाइप, ग्रीन ग्रीन, है ना। दूर से देखने पे लगता ही नहीं है कि ये कोई प्लांट है, लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, बस ऐसे ग्रीन ग्रीन कुछ कुछ दिखता है हमें। तो इट मीन्स दे हैव द, दे आर नोन एज सिंपलेस्ट प्लांट। प्लांट का जो सिंपल फॉर्म है वो हम थैलोफाइटा कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद इनको प्लांट कैटेगरी में क्यों रखा गया, उसका मेन रीज़न है दे आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप क्या होते हैं? मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड दे हैव क्लोरोफिल। उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। देयरफॉर दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। नेक्स्ट, दे आर फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। ये कैसी जगह पे रहते हैं? आपने देखा होगा काई कब जमती है? बारिश के सीज़न में, सबसे ज़्यादा बारिश के सीज़न में, जहाँ भी मॉइस्चर होता है, भले पत्थर पे हो, दीवार पे हो, है ना, कहीं पे भी, जहाँ पे भी, पेड़ों पे भी, अगर किसी बार्क में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा मॉइस्चर होगा तो वहाँ पे भी काई लग जाती है। तो दैट इज मीन्स इट ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेस। नेक्स्ट, इट वैस्कुलर सिस्टम इज एबसेंट, मीन्स इट लैक वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट इन इट। सो एग्जाम्पल इज एल्गी, एल्गी इसका एग्जाम्पल है। एंड नेक्स्ट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायो मीन्स होता है मॉस एंड फाइटॉन मीन्स प्लांट। तो इट इज मॉस प्लांट। और ये कैसे हैं? दे आर सिंपलेस्ट लैंड प्लांट। जबकि ये कैसे थे? दे आर एक्वेटिक प्लांट्स। मीन्स अब क्या हो गया, उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा डेवलप कर लिया कि वाटर से निकल के लैंड पे आ गए, है ना। नेक्स्ट, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बाय एम्फीबियंस क्या होता है? एम्फी मीन्स बोथ और बियंस मीन्स लिविंग बींग्स, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं, दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं, दे आर नोन एज एम्फीबियंस। सो दीज टाइप ऑफ प्लांट मीन्स दे कैन ग्रो इन वाटर एज वेल एज लैंड ऑल्सो, कि अगर पानी ख़त्म हो भी जाए, है ना, या कोई ऐसी कंडीशन कि भाई पानी बाद में ख़त्म हो जाए या सूख जाए, देन ऑल्सो दे आर एबल टू सर्वाइव। फिर वेस्कुलर टिश्यूज आर एबसेंट बट राइजॉइड्स आर प्रेजेंट। राइजॉइड्स मीन्स
लेस डेवलप्ड रूट्स है ना, हेयर जैसी रूट्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। फिर एग्जांपल इज मॉस और फ्यूनेरिया। सो स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन इट लाइक दिस सो दैट यू कैन स्टडी एज वेल एज कंपेयर इट, कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा, कि उनकी प्रॉपर्टीज में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंट है। देन कम्स टेरिडोफाइटा। टेरिडो मीन्स होता है फर्न एंड फाइटा मीन्स प्लांट। सो इट इज नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज टेरिडोफाइटा। अब देखो यहाँ पे क्या था कि रूट स्टेम लीव्स डेवलप नहीं हुई थी, बट जैसे जैसे टेरिडोफाइट्स आए तो क्या हो गया, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, की जो बॉडी थी उसने, प्लांट था उसने अपने आप को डेवलप कर लिया, एंड जो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, की जो प्लांट है उसमें रूट लीव्स और स्टेम आ गई। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज आर एब्सेंट, कि अभी तक थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा दोनों में वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं थे, जबकि जो टेरिडोफाइटा है इसमें वेस्कुलर टिश्यूज मीन्स जाइलम फ्लोएम आर प्रेजेंट इन दैम, मीन्स जो फूड और वाटर का कंडक्शन चैनल से दे आर प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट सीड्स आर एब्सेंट, कि अभी भी इनमें क्या है, सीड्स प्रेजेंट नहीं हुए थे, तो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पोरोफाइट्स, की स्पोर्स के थ्रू ही ये ग्रो कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। एग्जाम्पल इज फर्न प्लांट। देन वी टॉक अबाउट टेरिडोफाइट्स। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं अभी हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी, बट दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन देयर टाइप ऑफ सीड्स, ये कुछ ऐसे थे जो अनकवर्ड सीड्स थे, उनमें नेकेड सीड्स थे, जबकि कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनके जो सीड्स थे दे आर कवर्ड, कि उनमें कवरिंग थी, तो उस बेसिस पे दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो यदि हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो दीज टाइप ऑफ प्लांट्स दे आर एवरग्रीन, वुडी एंड पेरेनियल। तो एवरग्रीन मीन्स ऑलवेज फाउंड, वुडी होते हैं उनकी जो स्टेम है वो वुडी होती है, एंड दे आर पेरेनियल। तो थ्री टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। एनुअल मीन्स जो साल में एक बार आए, बाइनियल मीन्स जो दो बार, और पेरेनियल जो होल टाइम रहें, ठीक है, साल भर हमेशा। नेक्स्ट, तो ट्री और श्रब, ये जो प्लांट्स होते हैं दे आर जनरली ट्रीज और श्रब, ठीक है। फिर आगे सीड्स आर नेकेड, इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड। मैंने पहले ही बताया कि इनका जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ मेनली डन ऑन दिस बेसिस ओनली, कि सीड्स कवर्ड हैं या अनकवर्ड। फिर जो जाइलम और फ्लोएम थे वो भी पूरी तरह डेवलप नहीं थे, कि जाइलम इट लैक वेसल्स एंड फ्लोएम इट लैक सीव ट्यूब्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जिम्नोस्पर्म। एग्जाम्पल पाइन ट्री, पाइन ट्री इसका एग्जाम्पल है। आगे यदि हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो ये भी कुछ इसमें सिमिलैरिटीज भी हैं, कुछ डिफरेंस भी। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ऑल्सो एन एवरग्रीन प्लांट, इट इज़ एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। कैसा भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है, बाइनियल भी और पेरेनियल भी। इट मे बी हर्ब, श्रब और ट्री। फिर अब इसमें हमने देखा कि जाइलम फ्लोएम पूरी तरह डेवलप नहीं थे, बट यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम डेवलप हो चुके हैं। कैसे? कि इसमें जाइलम में वेसल्स और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स डेवलप हो चुके थे, और जो सीड्स हैं, दे आर कवर्ड, दे हैव कवर्ड सीड्स। एग्जाम्पल इज मस्टर्ड और मेज प्लांट। सो दिस इज द कंपेरिजन और प्रॉपर्टीज ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देन एंजियोस्पर्म्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू क्लास, टू टाइप्स, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कॉटिलेडॉन प्रेजेंट, कि उनके सीड्स में जो कॉटिलेडॉन थे वो कैसे थे, एक थे या दो थे। कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, कि उनमें दो कॉटिलेडॉन निकलते हैं। जैसे मान लो सपोज चना है ना, उसको अगर हम उसकी जो कवरिंग हटाएंगे तो उसमें दो कॉटिलेडॉन निकलेंगे। अगर हम गेहूं की बात करें तो उसमें
सिंगल ही निकलेगा, है ना, वो उसमें दो कोटिलेडॉन नहीं होते। तो उस बेसिस पे उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मींस जो मोनोकॉट है दे हैव सिंगल कोटिलेडॉन इन देयर सीड्स, एंड डाइकॉट जो प्लांट थे दे हैव डबल कोटिलेडॉन इन देयर सीड्स। उसके बाद जो लीव्स हैं उनमें वेनेशन कैसा था, व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीव्स। वेन्स क्या होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में वेन्स होती है ना, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, जो पूरा ब्लड और ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट सब सप्लाई करती हैं हमें। तो इन द सेम मैनर प्लांट में भी वेन्स होती हैं, है ना, कभी देखा होगा आपने, लीव्स उठा के देखेंगे आप तो उसमें बहुत बारीक बारीक लाइंस दिखाई देती हैं। तो उनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज वेन्स। तो दे आर पैरेलली अरेंज, मीन्स दे हैव पैरेलल वेनेशन सिस्टम। कैसे कि पैरेलल, है ना, आप एक दूसरे के साइड से सीधी सीधी निकलती जाती हैं, पैरेलली अरेंज होती हैं। जबकि ये जो डाइकोटिलेडॉन प्लांट्स होते हैं दे हैव रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट मीन्स ऑपोजिट, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन से वेन्स निकलती हैं। देन वेस्कुलर बंडल्स आर ओपन, और जबकि यहाँ पे दे आर क्लोज्ड। फिर अगला जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं दे हैव फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस और टैप रूट के डिफरेंस आपको पता होंगे, नहीं है तो यहाँ पे मैंने डायग्राम दे रखा है, है ना। फाइब्रस रूट ऐसी होती है जबकि टैप रूट इस टाइप की होती है। तो इनमें फाइब्रस रूट होती है जबकि इसमें टैप रूट सिस्टम होता है। नेक्स्ट जो मोनोकॉट प्लांट है देयर फ्लावर्स आर ट्राइमेरस। ट्राइमेरस मीन्स थ्री वर्ल्स आर देयर, ठीक है। और जो डाइकॉट है दे आर पेंटामेरस, मीन्स दे हैव फाइव वर्ल्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। और इन दोनों का कंपेरिजन कई बार पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट। सो यू शुड राइट दीज पॉइंट्स, ये इनको आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। सो आई होप कि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। यदि हाँ तो इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक टू गिव यू इन अ बेटर वे। हर बार आपके लिए कुछ नया, कुछ बेहतर लेकर आने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज़ कमेंट फॉर ईच एंड एवरी वीडियो। थैंक यू।